जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सड़क हादसे में युवक की मौत, डबरा पुलिस की सजगता से चक्का जाम टला। शक्ति जिला के डबरा थाना क्षेत्र में आए दिन आपको सड़क दुर्घटना की खबरें सुनने या पढ़ने को मिलती रहती है कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजन सड़क पर बैठ जाते हैं और चक्का जाम कर देते हैं, पर इस बार गुस्साए परिजनों को पुलिस ने मानवता की दृष्टि से समझाते हुए उन्हें शांत किया और एक डबरा थाना क्षेत्र में होने वाले चक्का जाम को भी टाल दिया। आपको बता दें कि रात में अनियंत्रित होकर एक कैप्सूल वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही घटना घटी, आसपास के लोगों ने ट्रक को रोककर मुआवजे की मांग को लेकर हो हल्ला शुरू कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना डबरा थाना प्रभारी प्रशिक्षु DSP चंद्रहांस सिंह को मिली, तत्काल मौके पर स्वयं व्यापी पुलिस टीम को लेकर पहुंचे, जहां पर गुस्साए परिजनों को समझाइश देते हुए उन्होंने शांत कराकर शासन द्वारा निर्धारित दुर्घटना में मिलने वाली राशि को तत्काल दिलवाया और परिजनों को संतावना दी। एक तरफ DSP चंद्रहांस सिंह अवैध कारोबार करने वालों पर सिंघम बनकर टूट रहे हैं, तो वहीं दुर्घटना घटित हो जाने पर शांत स्वभाव व एक हमदर्द बनकर उनके परिजनों को समझाइश देते नजर आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि दुर्घटना को जाने के बाद की छवि को एक रहम दिल बनकर परिजनों के सामने पेश कर रहे हैं और परिजन भी उनकी बात को समझकर उनकी बात मान रहे हैं। और यही कारण है कि आज एक बड़े चक्का जाम को उन्होंने अपनी सजगता व सूझबूझ से टाल दिया। शक्ति जिला के में जब से नए पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा ने जिले का कमान संभाला है, तब से जिले में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। जिस तरह से अवैध कारोबार करने वालों के लिए जिला की शक्ति पुलिस यमराज बन गई है, तो वहीं आम नागरिकों के लिए एक मसीहा बनते नजर आ रहे हैं।